है, तो मेटल को हमने समझा कि मेटल कॉस्ट वेरिएंस किस वजह से अराइज होता है। हमने प्राइस रेट्स प्राइस और क्वांटिटी में उसको तोड़ा, और क्वांटिटी में फिर आगे हमने उसको सब डिवाइड किया। हमने उसको समझा कि मिक्सचर की वजह से कितना वेरिएंस है और प्योरली जो क्वांटिटी है उसकी वजह से कितना वेरिएंस है, जिसको हमने यील्ड वेरिएंस के रूप में भी पढ़ा। ठीक है, अब आप एक चीज अच्छे से समझ ले, जब हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट की तभी हमने बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टूल्स है, एक टेक्निक है। ठीक है, किस चीज की, कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। और कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगी, कॉस्ट पर नियंत्रण कैसे होगा, तो कंट्रोल करने के लिए पहले हमें उसका सही कारण पता होना जरूरी है, तभी हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अब मान लीजिए मेटल की लागत इतनी होनी चाहिए थी और एक्चुअल में इतनी हुई। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि मेटल कॉस्ट वेरियंस या लेबर कॉस्ट वेरियंस 2000 रुपया एडवर्स आया, लेकिन इसका करे क्या। ठीक है, जब तक हम इसको एनालाइज ना करें, हमें पता ना चले कि ये वेरिएंस क्यों हुआ, तब तक हम वहां कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जो उसके सही कारण का पता लगाना, ठीक है, उस बात की तह तक जाना कि आखिर ये जो वेरिएंस आया, ये अंतर आया, क्यों आया। ठीक है, ताकि उसी बेस पर हम आगे जो भी हमें डिसीजन लेना है, ठीक है, जो भी करेक्टिव एक्शन लेने हैं वो हम उसी के अकॉर्डिंगली ले सकें। ठीक है, तो अब देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, अच्छा मेटल की मैं बात कर रहा था, अब मेटल में प्राइस में अगर वेरिएंस आ रहा है, ठीक है, प्राइस में अंतर आ रहा है, आपने देखा कि 2000 जो एडवर्स आया उसमें 1500 का एडवर्स वेरिएंस आया प्राइस की वजह से, तो अब जाहिर सी बात है, अब देख सकते हो कि यहाँ जो मेन रीजन रहा, ठीक है, एडवर्स वेरियंस आने का, वो प्राइस रहा। हम प्राइस को सही ढंग से एस्टिमेट नहीं कर पाए। ठीक है, किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से प्राइस बढ़ा या किसी और वजह से, ठीक है, जो प्राइस है वो हम प्रॉपर एस्टिमेट नहीं कर पाए। तो यहाँ इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो परचेज मैनेजर की होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर अब हम देख रहे कि 500 रुपये एडवर्स जो वेरियंस आया वो क्वान्टिटी वेरियंस है, तो यहाँ क्वांटिटी कितनी यूज होनी चाहिए थी और एक्चुअल में कितनी यूज हुई, वो इनपुट आउटपुट रेशो की वजह से है या मिक्सचर की वजह से है, आगे फिर हम उसको एनालाइज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स करते हैं। तो इसी तरह से हम लेबर कॉस्ट वेरियंस है उसको भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने मेटल कॉस्ट वेरियंस निकाला कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है और जो एक्चुअल कॉस्ट है उन दोनों का अंतर एक्चुअल में कॉस्ट वेरिएंस होता है, कॉस्ट चाहे आपकी कोई भी हो। जब मैं बात मेटल की कर रहा था तो मैंने लिखा स्टैंडर्ड मेटल कॉस्ट, एक्चुअल मेटल कॉस्ट। अब मैं बात लेबर की कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और एक्चुअल लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो पहला वेरियंस अपना ये तो उसी ढंग से निकल आएगा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। ठीक है, अब देखो जरा सोचो, बात वही है कि हमें असली कारण तक पहुंचना है कि इसके पीछे कारण क्या रहे, ये वेरिएंस अराइज ही क्यों हुआ। तो मेटल जब प्राइस वेरिएंस की हमने बात की तो प्राइस में हमने देखा, सॉरी मेटल कॉस्ट वेरिएंस की हमने बात की तो हमने देखा कि कॉस्ट जो है मेटल कॉस्ट दो फैक्टर पर डिपेंड करती है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, मान लो 500 यूनिट हमें यूज करनी है, और किस प्राइस पर लेनी है, मान लीजिए 10 रुपये के प्राइस पर लेनी है। अब अगर ये 500 की बजाय 550 हो जाए तब भी डिफरेंस आएगा, और ये 10 रुपये की जगह 12 रुपये आ जाएगा तब भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, दोनों की वजह से ही इसमें डिफरेंस आएगा। अब सेम इसी तरह से इसको आप लेबर पर एक बार अप्लाई करके देखो, लेबर कॉस्ट वेरियंस जब मुझे निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई कितने ये जो काम है वो कितने टाइम का था। मैंने एस्टिमेट किया ये काम 300 घंटे में हो जाना चाहिए, 3 घंटों का मतलब भी अभी हम समझेंगे, ये आवर एक्चुअल में मैन आवर होते हैं तो इसको भी अभी हम समझेंगे। तो 300 मैन आवर्स में काम हो जाना चाहिए था और हम हर एक घंटे की 5 रुपये मजदूरी देंगे। ठीक है, जिस रेट से मजदूरी देंगे, लेबर की बात करें तो उसको बोलते हैं रेट, कि इस रेट से हम पे करेंगे, और जितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं आवर। वैसे होते ये मैन आवर है लेकिन हम इनको जनरली जब हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे तो आवर्स ही बोलते हैं।
ठीक है, ये आवर्स कह लीजिए, टाइम कह लीजिए, वीक कह लीजिए, डेज कह लीजिए, ठीक है, डे के हिसाब से मजदूरी देते हो तो डेज हो जाएगा, ठीक है, आवरली पे करते हो तो आवर हो जाएगा, वीकली पे करते हो तो वीक हो जाएगा, मतलब यहाँ टाइम फैक्टर। तो लेबर कॉस्ट दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक तो टाइम पर कि कितना समय लगना चाहिए था और आपने एक्चुअल में कितने समय में उसको तैयार किया, और दूसरा जो उसके पीछे फैक्टर होता है दैट इज रेट, कि किस रेट से पे करना तय हुआ था या सोचा था आपने और एक्चुअल में आपको किस रेट से पेमेंट करनी पड़ी, और उन दोनों की वजह से जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, उन दोनों की वजह से जो है लेबर कॉस्ट में डिफरेंस आ सकता है। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और एक्चुअल लेबर कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस जो कि लेबर कॉस्ट वेरियंस है, मैं इसको आगे अगर एनालाइज करना चाहूँ तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। जैसे मेटल प्राइस वेरियंस था, जहाँ मेटल में हम लोग प्राइस लिख रहे थे, प्राइस प्राइस की जगह अब हम रेट लिखा करेंगे, क्योंकि मेटल प्राइस मेटल की कीमत कितनी है, और लेबर में जनरली बोलते हैं कि जो पेमेंट है लेबर की वो किस रेट से की जानी है, तो लेबर में हम उसको रेट बोलेंगे, तो प्राइस और रेट, ठीक है। इसी तरह से मेटल में जहां हम क्वांटिटी लिख रहे थे, यहां क्वांटिटी की जगह टाइम आ जाएगा, ठीक है, टाइम आवर्स के रूप में हो सकता है, टाइम वीक्स के रूप में हो सकता है, टाइम डेज के रूप में हो सकता हो, क्वेश्चन में जो दे रखा हो आवर्स का जिक्र हो, तो जनरली वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आवर्स पेज पर होंगे, आवर्स का जिक्र है आवर्स लिखिए, डेज का जिक्र है डेज लिखिए, और वीक्स है तो वीक्स लिखिए, मतलब दो फैक्टर होंगे टाइम और रेट, ठीक है। तो अब टाइम और रेट के आधार पर जैसे हमने मेटल प्राइस वेरियंस निकाला था, ठीक ऐसे ही अपना निकल आएगा लेबर रेट वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस। लेबर रेट वेरियंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड, जैसे हमने लिखा था स्टैंडर्ड प्राइस, यहां लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्चुअल आवर्स, ठीक है। अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं या आवर्स का कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं, मैं पहले एक अगला और लिख लेता हूं। तो एक तो रेट की वजह से, दूसरा जो टाइम की वजह से हो रहा है वो लेबर टाइम वेरियंस, टाइम वेरियंस ही बोल सकते हैं उसको, ठीक है, वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, बट इन दोनों से जो ज्यादा पॉपुलर नाम है वो है एफिशिएंसी वेरियंस, इसको हम बोलेंगे टोटल एफिशिएंसी वेरियंस। मैं इसको ये वाली नोटेशन यूज करूंगा इसमें, टोटल एफिशिएंसी वेरियंस वाली, ठीक है, टोटल एफिशिएंसी वेरियंस, ठीक है। और जैसे मेटल क्वांटिटी वेरियंस आपने निकाला था, देखो एक अगर आपने वेरियंस अच्छे से सीख लिया तो दूसरा उससे रिलेटेड सही होता है। तो आपने लिखा था स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स और मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी की बात कर रहा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको स्टैंडर्ड प्राइस से, ये आपने लिखा था क्वांटिटी वेरियंस। यहाँ क्वांटिटी की जगह हमें आवर्स लिखना है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। रेट स्टैंडर्ड क्यों लिखते हैं, प्राइस स्टैंडर्ड क्यों लिखते हैं, इस पर डिस्कशन हो चुका था कि हम सिर्फ टाइम की वजह से डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, जैसे हम मेटल में सिर्फ क्वांटिटी की वजह से कितना अंतर आया ये देखना चाह रहे हैं, तो अदर थिंग कॉन्स्टेंट, दूसरे फैक्टर को कॉन्स्टेंट मान लिया हमने, मान लिया कि प्राइस अगर चलो स्टैंडर्ड वाला ही होता जो हमने सोचा था उसी प्राइस पर भी मिल जाता तो भी सिर्फ क्वांटिटी की वजह से कितना अंतर आया, ठीक ऐसे ही जो हमने सोचा था कि इस रेट पर हमें पेमेंट करनी पड़ेगी ₹5 पर ₹6 पर पेमेंट हमने मान लो अगर उसी रेट पर भी की होती तो भी जो टाइम हमने कम या ज्यादा यूज किया उसकी वजह से जो अंतर आ रहा है उस अंतर को हमने कहा एफिशिएंसी वेरियंस, ठीक है। एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आपको क्या? यस सर, आ रही है। तो दिस इज टोटल एफिशिएंसी वेरियंस। अब मैं इसको आगे बढ़ूं इस पर डिस्कशन के लिए, उससे पहले ये आवर्स का जो कंसेप्ट है ना ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है। आवर्स का मतलब क्या है? अब देखो मैंने कहा कि हमारी फैक्ट्री में 8 घंटे काम होता है,
फैक्ट्री आवर्स कितने हो गए 8। मैंने कहा हमारी फैक्ट्री में जो है 20 आदमी काम करते हैं, 20 मैन ये काम करते हैं, तो अब मैन आवर्स कितने हो जाएंगे? मैन आवर्स हो जाएंगे 8 × 20 160। ठीक है, मैन आवर का मतलब कितने लोगों ने कितने घंटे काम किया, क्योंकि अब हमें जो मजदूरी देनी है वो 160 घंटे की देनी है। देखो अगर 8 घंटे एक ही आदमी मेरे पास काम कर रहा होता तो मुझे एक ही आदमी को मजदूरी देनी होती। मान लीजिए मजदूरी की दर थी 2 रुपया, तो 2 × 8 = 16 रुपए उसको देना था, उसको 8, उसने 8 घंटे काम किया। अब 20 आदमी काम कर रहे हैं तो 16 रुपए एक आदमी को और 20 आदमियों को कितना देना पड़ा, 320 रुपया। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर जो आवर्स होगा, आवर्स का मतलब मैन आवर। ठीक है, कितने घंटे काम हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है, कितने घंटे कितने लोगों ने काम किया। तो ज्यादातर तो खैर क्वेश्चन में आपको दे ही रखे होते हैं मैन आवर, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है तो आप पहले आवर्स निकालें और उसको मैन से मल्टीप्लाई करें। मैन का मतलब है मैन, वुमेन, बॉयज, कोई भी हो सकता है, बस जो लेबरर्स हैं उनकी जो संख्या है उनसे मल्टीप्लाई करिए और उस बेस पर फिर जो आवर्स आए उनको आप कंसिडर करिए। ठीक है, यहाँ आवर्स की जगह आप चाहें तो टाइम लिख लें। अब टाइम में काफी सारी चीजें शामिल हो जाती है, वीक, ठीक है, या डेज। अब क्वेश्चन में क्लियर कट आवर्स की बात हो रही है तो मैं कहूंगा आवर्स ले लीजिए। क्वेश्चन में अगर डेज की बात हो रही है, वैसे रेयरली मिलेगा, अगर डेज है तो डेज ले लीजिए और वीक्स है तो वीक्स ले लीजिए। कि हम भाई हमारे पास 20 आदमी काम करते हैं और हम उनको 300 रुपया पर वीक पे करते हैं। ठीक है, 20 आदमियों ने मेरे पास 4 वीक्स तक काम किया, तो 300 रुपए पर वीक हम उनको देते हैं, 4 वीक्स का कितना हो जाएगा 1200। ये तो हुई एक आदमी की जो पेमेंट। अब 20 आदमियों को देनी है तो 1200 × 20 कर दो, ये हो जाएंगे 24,000। ठीक है, तो इस तरह से टाइम को मैन के साथ कंसिडर करिए, नंबर ऑफ पर्सन के साथ कंसिडर करिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब देखो मैंने कहा कि मेटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस बिल्कुल सेम है, प्राइस की जगह हम रेट लिख रहे हैं, क्वांटिटी की जगह हम आवर्स, टाइम्स, वीक्स लिख रहे हैं, ठीक है, या डेज लिख रहे हैं। लेकिन एक चीज है जो मेटेरियल के केस में नहीं थी और लेबर के केस में आ जाएगी, ठीक है, वो इन दोनों में अंतर पैदा करती है और कई बार वो ही इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ बनती है तो उसी की वजह से बनती है। ठीक है, उस कंसेप्ट को और समझ लीजिए, ये आपके बहुत काम की चीज है, उसका नाम है आइडल टाइम। ठीक है, एक आइडियल होता है, आइडियल का मतलब तो आदर्श, आइडल मतलब निष्क्रिय, निष्क्रिय समय, वो समय जिस दौरान कोई काम नहीं हुआ। अब जैसे आपका ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारी क्लास 1 घंटे की होती है, 1 आवर। ठीक है, 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट्स। अब मान लीजिए मैंने क्लास के लिए लिंक जनरेट किया, ठीक है, 10 मिनट पहले मैंने लिंक जनरेट किया, उसके बाद मान लीजिए पूरा 1 घंटा जो है 10 मिनट के बाद से फिर आगे पूरा 1 घंटा हमने लगाया, तो मान लीजिए मैंने यहाँ 70 मिनट्स लगाए, 70 मिनट। ठीक है, अब इन 70 मिनट में से कितने समय तो एक्चुअल में काम हुआ, काम का मतलब टीचिंग कितने समय हुई, ठीक है, और बाकी जो कह लीजिए कि जो टीचिंग के बिना जो टाइम निकल गया वो कितना था। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपके ज्वाइनिंग टाइम पर, आप अगर फटाफट ज्वाइन कर लेते हैं तो फटाफट क्लासेस शुरू हो जाती है, कई बार आप लोग ज्वाइन करने में ही काफी ज्यादा लेट लगा टाइम लगा देते हैं, तो मान लीजिए 10 मिनट वो पहले वाले और उसके बाद 15 मिनट तक आप लोग ज्वाइन करते रहे तो 25 मिनट्स जो है सिर्फ ज्वाइन करने में, अटेंडेंस लगाने में उसी में ही चले गए, तो काम कितने समय हुआ, काम केवल रहा 45 मिनट्स। तो ये जो 25 मिनट्स हैं, ये 25 मिनट्स, दिस इज कॉल्ड आइडल टाइम, ये निष्क्रिय समय है। ठीक है, अब ये निष्क्रिय समय है, इसको भी 2 कैटेगरी में बांट कर चलते हैं, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, इसको इसी के साथ जोड़ कर चलेंगे। ये आइडल टाइम है ना,
इसको भी दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है, एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब मुझे बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुरंत मैंने लिंक जनरेट किया, मैंने क्लास शुरू की और तुरंत एकदम से वहीं पढ़ाना शुरू कर दिया, 60 मिनट की क्लास है तो पूरे के पूरे 60 मिनट पढ़ा दिया, अब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मैंने लिंक जनरेट किया, मैंने क्लास शुरू की, उसके बाद आपने चलो तुरंत एकदम ज्वाइन शुरू करना शुरू कर दिया तो भी 3-4-5 मिनट के अंदर भी आपने ज्वाइन कर लिया तो भी 5 मिनट्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। साथ साथ फिर उसके साथ अटेंडेंस वगैरह हमने लगाई, मान लीजिए उसमें 1 या 2 मिनट उसके लगा लीजिएगा आप, ठीक है, 7 मिनट्स लगा लीजिए। अब इस दौरान फिर आगे मैंने स्क्रीन शेयर की, मैंने कंफर्म किया कि आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं, मेरा आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, वो सब मैंने किया और ये सब कर करा के मान लीजिए जो है 2 मिनट इसके नाम पे और लगा लीजिए 9 मिनट्स, ठीक है। अब मेरा मान लीजिए एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई इन 70 मिनट्स में से ये 9 मिनट्स है ना, ये तो लगभग ऑन एन एवरेज जाते ही जाते हैं, इस पर तो मेरा कंट्रोल नहीं है, ये तो मैं नहीं कर सकता, ना हम ना आप, ठीक है। इसको चलो आपने और थोड़ा बहुत इफेक्टिवनेस के साथ काम करते हुए और रिड्यूस कर दिया, ठीक है, 8 मिनट तक आपने रिड्यूस कर दिया, 7 to 8 मिनट जो है बस वो उसमें खत्म होगी, बाकी समय यूज होगा। तो अब हमने देखा कि 70 में से 8 मिनट्स तो अपने काबू के हैं नहीं, ये 62 मिनट्स हम जरूर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमने टोटल 70 मिनट्स हमारी मीटिंग रही तो इन 70 में से 62 मिनट्स हम जरूर इफेक्टिवली निकाल सकते हैं। तो ये जो 8 मिनट्स हैं जिनको आप कह लीजिए कि आपके कंट्रोल से बाहर है, जिनको रोका नहीं जा सकता, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। तो अगर अब आपका यहाँ आइडल टाइम 25 मिनट हो रहा था तो इसमें से अगर ये 8 मिनट लगा लो, 9 लगा लो, ठीक है, 10 लगा लो, चलो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का टाइम नॉर्मल आइडल टाइम है, और उसके बाद अगर ऊपर जो लगाते हो इससे ऊपर अगर लगता है, देखिए 10 मिनट पहले क्लास शुरू इसीलिए की जाती है कि आप लोग को जो ज्वाइन वगैरह करने में जो समय है वो पूरा का पूरा समय आप वहां से एडजस्ट हो जाए, क्लास टाइम में जो है मतलब एनर्जी के डिस्टरबेंस ना हो। तो 70 में से यही जो 25 मिनट्स वेस्ट हुए उनमें से 10 मिनट मान लो ये नॉर्मल आइडल टाइम है, बाकी 15 मिनट्स एबनॉर्मल, ठीक है। एबनॉर्मल का मतलब वो एबनॉर्मल रीजंस की वजह से आप लोग लेट ज्वाइन करें, जो भी कुछ करें। अब जरा इसको थोड़ा सा उधर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ले जाते हैं। मैंने कहा कि भाई एक मशीन जो चल रही है, ठीक है, चालू मशीन में मुझे मान लीजिए पेन मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो ये यहाँ से इनपुट डालकर ये तैयार होने में मान लीजिए 5 मिनट्स लेता है, ठीक है। तो 5 मिनट्स लगते हैं एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में। अब जाहिर सी बात, अब 1 घंटे में कितनी यूनिट बननी चाहिए, 5 मिनट में 1 यूनिट, ठीक है, तो 1 यूनिट को बनाने में 5 मिनट, तो 60 मिनट में कितनी यूनिट बन जाएगी, 12 यूनिट्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, मान लीजिए मैं इसी को स्टैंडर्ड फिक्स कर देता हूँ, थोड़ी सी गलती हो जाएगी। स्टैंडर्ड की एक डेफिनेशन है कि स्टैंडर्ड होना चाहिए चैलेंजिंग बट अचीवेबल। स्टैंडर्ड ना तो इतना लो होना चाहिए कि अब मान लीजिए आप कहें कि भाई मुझे इस बार 50% मार्क्स लाने हैं, अब आपने अपने लिए स्टैंडर्ड ही बहुत ही नीचा तय कर लिया, ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये स्टैंडर्ड अब इसको इसके लिए अब आप स्टैंडर्ड पोस्टिंग करें या ना करें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वहीं अगर आप कुछ बहुत हाई स्टैंडर्ड अगर आप अपने लिए फिक्स कर लेते हैं जो आपको लगता है कि शायद वो अचीव ही नहीं हो पाएंगे, तो उस केस में भी बात वैसी ही है। तो स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए चैलेंजिंग हो लेकिन अचीवेबल हो, ठीक है। तो मैं बात ये कर रहा था कि अब मैंने कहा कि भाई ये मशीन ये यूनिट 5 मिनट में बन जाती है, इसका मतलब इस मशीन को 1 घंटे में 12 यूनिट बनानी चाहिए। अब तुमने 1 घंटा मशीन चलाई तो 12 यूनिट बनी कि नहीं बनी, ठीक है, 2 घंटे मशीन चलाई तो 24 बननी चाहिए, 3 घंटे चलाई तो 36 बननी चाहिए, इस हिसाब से आपने कर दिया। लेकिन आप शायद एक चीज ये भूल गए, अगर आप यही स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि भाई जब मशीन को शुरू किया तो शुरू होने के बाद वो अपने रिदम में आने के लिए
ठीक है, आपने चलाया उसको ऑन किया, उसके बाद उसका मान लीजिए कंप्यूटर को भी अगर मैं ऑन करता हूँ तो तुरंत एकदम ऐसा नहीं होता कि ऑन करते ही तुरंत वो काम करने के लिए तैयार है, थोड़ा सा ओपन करने में टाइम लेता है। मान लीजिए 1 मिनट का टाइम उसने लिया, कोई बहुत अच्छा प्रोसेसर मान लीजिए 30 सेकेंड्स का टाइम ले, लेकिन वो टाइम तो जाएगा ही जाएगा, तो उस समय को मुझे कंसिडर करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो मान लीजिए मैंने कहा कि भाई देखो जब मशीन को जब शुरू किया जाता है तो शुरू करने के बाद जो है उसमें 1 मिनट लगता है जनरली, या 2 मिनट लगते हैं, समझने के लिए मैं 5 ले लेता हूँ, 5 मिनट लगते हैं। फिर जब 1 मिनट बन गई उसके बाद दोबारा से फिर जो है इनपुट डाला तैयार किया, तो वो बदलने में एक जगह से दूसरी जगह जाने में या एक यूनिट को रखकर दूसरी यूनिट उठाने में कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज ये समय लगता है भाई 5 मिनट और लग जाते हैं। तो अब मुझे कहना पड़ेगा कि देखो भाई 60 मिनट का जो 1 घंटा है अगर आपने चलाया उसमें 10 मिनट नॉर्मली इस तरह से वेस्ट होनी है, ये 50 मिनट्स आपके लिए यूज होती है। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं कहूँ कि भाई एक अब ये मशीन चालू है रनिंग है, अब एक यूनिट बनाने में 5 मिनट लगते हैं, तो यहाँ से अब आपके पास कितनी यूनिट बन जाएगी भाई 50 मिनट। मशीन अब पूरे फुल रिदम में है, चालू है एक तरह से, ठीक है, वो मशीन का टाइम यूज वाला है अब आपके पास, तो यहाँ पर हर 5 मिनट में एक यूनिट यानी कि 50 मिनट में 10 मिनट बना लोगे, तो कुल मिलाकर बात क्या रही कि 10 यूनिट बनाने में कितना समय लगा 60 मिनट, तो एक यूनिट को बनाने में अब 5 नहीं 6 मिनट होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो ये जो चीज है वो तो हमने स्टैंडर्ड में ही इंक्लूड कर ली। अब जब मैं स्टैंडर्ड अगर बनाता हूँ कि भाई 1 मिनट को बनाने में 5 मिनट, तो मैं स्टैंडर्ड ही गलत बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इन चीजों को तो भूल रहा हूँ जो मेरे काबू से बाहर है। ठीक है, स्टैंडर्ड वो होने चाहिए जो अचीवेबल हो, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई चलो ये इनके नाम का सारा समय लगा लिया मैं यूनिट रखने में, बदलने में, चेंज करने में, मशीन शुरू करने में, तो 1 मिनट का समय मैंने उसके नाम का छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि भाई 1 मिनट को बनाने में 6 मिनट। ठीक है, तो यहाँ देखो 5 मिनट चाहिए थे लेकिन 1 मिनट नॉर्मल आइडल टाइम का उसके अंदर ही शामिल रहता है। तो आइडल टाइम की मैं बात कर रहा था, निष्क्रिय समय जिसमें काम नहीं हुआ, लेकिन उस निष्क्रिय समय के भी 2 कैटेगरी है, एक नॉर्मल और दूसरा एबनॉर्मल। नॉर्मल वाला तो स्टैंडर्ड में पहले से ही जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि मैंने कहा कि अब 1 मिनट को बनाने में 6 मिनट लगने चाहिए, यानी कि 1 घंटे में आपकी 10 यूनिट बननी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक तो नॉर्मल इसमें शामिल है, लेकिन अब अगर कुछ और इससे ज्यादा समय लगता है, 6 की बजाय 7 मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं, तो फिर ये जो एक्स्ट्रा समय लग रहा है ये एबनॉर्मल है। और जनरली ये एक्स्ट्रा समय किस कारण से होता है, एबनॉर्मल रीजन की वजह से होता है। मशीन ब्रेक डाउन होगी, मशीन टूट गई, तो उस समय लेबर क्या करेगी, उनको जस्ट वेट करना पड़ेगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। या रॉ मेटेरियल की उस समय रॉ मेटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाया, ठीक है, या पावर फेल्योर हो गया, कोई ऐसा रीजन जो कह लीजिए कि एबनॉर्मली सिचुएशन थी, ठीक है, और उसकी वजह से जो समय नष्ट हो गया वो आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको एक बार फिर से इस चीज को समराइज कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। आइडल टाइम की मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो ये आइडल टाइम वो समय होता है, वी पे फॉर इट, हम इसके लिए पेमेंट तो करते हैं बट नो प्रोडक्शन इज देयर, लेकिन यह काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है लेकिन हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, वो आइडल टाइम। और ये हमने 2 कैटेगरी में बांटा, नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है, बॉर्न बाय, ये जो नॉर्मल आइडल टाइम है ये बल्कि मैं कहूंगा इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड, इसको तो स्टैंडर्ड में पहले से ही शामिल करके चलते हैं, तो जो यूनिट तैयार हो रही है वो उस समय को वहन कर रही है। ठीक है, तो इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज एबनॉर्मल आइडल टाइम, इस पर फोकस रहेगा हमारा। तो जब मैं आइडल टाइम की बात करूंगा तो मेरा मतलब एबनॉर्मल आइडल टाइम से होगा, एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है, वो निष्क्रिय समय
जो किस वजह से हुआ, एबनॉर्मल रीजन से, मशीन ब्रेकडाउन की वजह से, पावर फेलियर की वजह से, ठीक है, रॉ मेटेरियल की सप्लाई रुक जाने की वजह से, कोई भी इस तरह का काम जो एबनॉर्मली है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए अब लॉकडाउन वाली सिचुएशन चल रही है, अब आप यहाँ देखिए, तो इस समय अगर फैक्ट्री बंद है, ठीक है, तो उस समय अब ये जो सिचुएशन, अगर मान लीजिए अगर उनके जो कह लीजिए कि वो जो लोग काम करने वाले हैं, ठीक है, वो पक्के कर्मचारी हैं, उनको मंथली सैलरी पे करनी ही है मान लीजिए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप देखो सैलरी तो जा रही है लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और ये काम किस वजह से नहीं हो रहा, ये एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से नहीं हो रहा, तो ये एबनॉर्मल आइडल टाइम कहलाएगा, और हमें इसी को ही हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो बात मैंने शुरू की थी कि मेटल और लेबर में डिफरेंस कौन लेकर आता है, डिफरेंस ये आइडल टाइम लेकर आता है। आइडल टाइम के बारे में हम काफी कुछ समझ चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जिसमें आइडल टाइम है भी या जिसमें आइडल टाइम नहीं है, तो उसको आप कैसे फेस करें, तो उसको आसानी से समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से 3 कैटेगरी उसमें बना दी है, ठीक है, ताकि आप उसको आसानी से समझ सके और क्वेश्चंस को भी हम उसी ढंग से कैटेगराइज करके फिर समझेंगे, ठीक है। अभी तक जो किया मैं एक बार उसको दोबारा से लिख दूं ताकि मैं आगे बढ़ूं। हमने पढ़ा लेबर कॉस्ट वेरियंस, जो कि हमने पढ़ा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, ठीक है। इसके 2 टुकड़े हमने किए, 2 कारण हमने समझे, एक लेबर रेट वेरियंस, ठीक है, पूरा मैं ऊपर लिख चुका हूँ, लेबर रेट वेरियंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल आवर्स, आवर्स का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, यानी कि जो आवर्स का मतलब मैन आवर्स, ठीक है, कितने घंटे कितने लोगों ने काम किया। और दूसरा हमने पढ़ा इसको टाइम वेरियंस भी बोलते हैं, वैसे टाइम वेरियंस या ज्यादा इसका नाम है पॉपुलर एफिशिएंसी वेरियंस, हम इसको टोटल एफिशिएंसी वेरियंस कहेंगे। और ये होगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस, जो टाइम लगा जो लगना चाहिए था, दोनों में जो अंतर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड रेट से। अब इस टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस को कैसे तोड़ते हैं, जैसे हमने मेटल में तोड़ा था इसको मिक्स में, और इसमें यहाँ पर भी मिक्सचर मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब 1 by 1 मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहली सिचुएशन, सिचुएशन 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लें। फर्स्ट सिचुएशन में ले रहा हूँ वेयर आइडल टाइम, थोड़ी देर के लिए आइडल टाइम को हटा ही देते हैं, मान लीजिए उस क्वेश्चन में आइडल टाइम नहीं है, जरूर थोड़ी कि सब जगह ही एबनॉर्मल आइडल टाइम हो, सब जगह ही मशीन ब्रेकडाउन हो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो हम उसको समझेंगे नहीं तो ना से, ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम होता है वो तो पहले से ही जब स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं वहीं पर डाल दिया जाता है। तो वेयर आइडल टाइम, मतलब आइडल टाइम का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, एबनॉर्मल आइडल टाइम का है मेरा मतलब, आइडल टाइम का मतलब एबनॉर्मल आइडल टाइम इज नॉट गिवन, ये नहीं है क्वेश्चन में, एबनॉर्मल आइडल टाइम नहीं है क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे आप? उस केस में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरह से मेटल वेरियंस की तरह हो गया। अब जो आपका टोटल एफिशिएंसी वेरियंस, छोट में मैं इसको TEV बोलूंगा आगे, ठीक है, आप इसे पूरा लिखें तो ज्यादा अच्छी बात है। टोटल एफिशिएंसी वेरियंस, इसके 2 टुकड़े होंगे भाई, बिल्कुल अब ये मेटल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आइडल टाइम इज नॉट गिवन बट मिक्स इज गिवन, ठीक है, मिक्सर दे रखा है। अब मिक्सर का भी आपको बड़ा सिंपल सा सरल सी भाषा में समझा देता हूं। मान लीजिए आपने अपने घर पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाया, ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन के लिए जो आप लेबर लेकर आएंगे, जनरली 2 तरह की लेबर तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, एक जिसको आप मिस्त्री बोलते हैं, दूसरा जिसको आप बेलदार या मजदूर बोलते हैं, ठीक है। उसको आप कितना पे करोगे, मान लो उसकी दिहाड़ी है 800, मजदूर की दिहाड़ी है मान लो 500, ठीक है। अब मान लीजिए काम जो होना चाहिए था उसमें होना ये चाहिए था कि एक मिस्त्री के साथ 2 मजदूर काम करें, ठीक है, और तब प्रोडक्शन हो। अब जाहिर सी बात है एक मिस्त्री को 800 दिए जाएंगे, 2 मजदूरों को 500 गुना 2000, यानी कि
1800 रुपए को। अब इसी मिक्सचर को मैं बदल देता हूं, मैं कहता हूं दो मिस्त्री एक मजदूर, ठीक है। दो मिस्त्री को कितने देने पड़ेंगे फिर, 1600, मजदूर को 500। अब लागत कितनी होगी, 2100। काम तो वही तीन लोगों ने किया, काम वही, मान लीजिए हर एक आदमी 8 घंटे काम करता, तो तीन लोगों ने 8 घंटे के हिसाब से 24 मैन आवर एक आउटपुट आया। लेकिन ये बदल क्यों गया, 1800 की जगह 2100 क्यों हो गई, क्योंकि मिक्सचर बदल गया, ठीक है। तो जहां एक से अधिक तरह की लेबर काम कर रही हो और उनके रेट में अंतर आ रहा हो, उनको अलग अलग रेट से पे करते हो, तो वहां एक वेरिएंस आएगा, मिक्स वेरिएंस। ठीक वैसे ही जैसे हमने मेटल को समझा था, हमने गोल्ड सिल्वर की रिंग के एग्जाम्पल से उसको समझा था। तो टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे। टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। तो जब मेटल में हमने पढ़ा था तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस था, और इनके बीच में एक चीज लेकर आए थे हम RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो कि थी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशो में तोड़ दिया था। तो यहाँ पर आवर्स आ जाएंगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा यहाँ पर आपका मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, ठीक है। अब देखो मैं मिक्स वेरिएंस लिखता हूँ तो पता नहीं चल रहा कौन सा मिक्स वेरिएंस, ठीक है, लेबर का या मेटल का। तो आप आगे पूरा लिखेंगे तो पूरा बन जाएगा लेबर मिक्स वेरिएंस, ठीक है। और यहाँ हमें निकालना है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। और दूसरा टुकड़ा जो बचा, भाई ठीक है चलो हमने मिक्सचर वही लगा लिया, मिक्सचर वही था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि भाई ये काम जो है 3 दिन में होना चाहिए था, लेकिन दिन ही 4 लग गए। अच्छा अब तो 4 दिन लग गए, यानी कि रेशियो तो वही रहा, काम तो एक स्त्री और दो मजदूर ने किया, लेकिन जो 3 दिन में निपटना था 3 की वजह 4 दिन लगे, तो 1 दिन एक्स्ट्रा चला गया, ठीक है। अब मिक्सचर सेम है, मिक्सचर वही रखा है, लेकिन दिन एक एक्स्ट्रा लग गया, उसकी वजह से जो वेरिएंस आया, ठीक है, उस वेरिएंस को हम बोलेंगे, देखो ये भी एफिशिएंसी वेरिएंस है, ये भी एफिशिएंसी वेरिएंस। अब थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए हम इसको टोटल एफिशिएंसी बोलेंगे, और ये वाला हो जाएगा अपना एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। आप इसको चाहें तो एफिशिएंसी वेरिएंस भी बोल सकते हो इसको। देखो मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ स्टूडेंट क्वेश्चन में, नोटेशन आपकी अपनी, हर बुक में अलग अलग, मैं RSS लिख रहा हूँ, हो सकता है किसी और बुक में कुछ और लिखा मिले, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग नोटेशन, बस उसको अब आप समझ जाओ कि हमारा किस चीज से क्या मतलब है, अपने आप फॉर्मूले बनेंगे, अपने आप नोटेशन बनेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसको एफिशिएंसी वेरिएंस बोल सकते हैं, फिर इसको सब एफिशिएंसी बोलना भाई, जैसे हमने क्वांटिटी और सब क्वांटिटी बोला था, या रिवाइज एफिशिएंसी बोलना फिर, ठीक है। और टोटल एफिशिएंसी बोल रहे तो जस्ट एफिशिएंसी, बाकी जनरली जब एफिशिएंसी का जिक्र होता है तो एफिशिएंसी से मतलब इस वाले से लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको एफिशिएंसी लिखा और उसको मैंने टोटल एफिशिएंसी बोल दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो बस ये दो टुकड़े हो जाएंगे इसके, एक वेरिएंस वो रहेगा उसको मत भूलना, यील्ड वेरिएंस, लेकिन उसको मैं इकट्ठा एक साथ ही चर्चा करूंगा। मेटल में जैसे हमने किया था ठीक वैसे ही निकलेगा। तो ये इसके दो टुकड़े होंगे, फर्स्ट सिचुएशन अगर आपके पास केवल आइडल टाइम है, आइडल टाइम नहीं है केवल मिक्सचर, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से लाइक मेटल वेरिएंस मैंने लिख भी दिया, पूरी तरह से मेटल वेरिएंस की तरह काम करेगा, फिर कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं। अब सेकंड सिचुएशन, इसको तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है पहले वाले को, क्योंकि मैं मेटल में काफी बातें कर चुका हूँ इस तरह की। सेकंड सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन कंप्लीट जहां आएगा वहां तो आइडल टाइम भी आएगा, वहां मिक्स भी आएगा, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं एक एक ले रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने मिक्स को हटा देता हूँ, मैं एक बार सिर्फ पहले आइडल टाइम से ही निपट लेते हैं, है ना। तो सेकंड सिचुएशन में हम लेंगे वेयर आइडल टाइम, और आइडल टाइम का मतलब क्या, एबनॉर्मल आइडल टाइम, आइडल टाइम इज गिवन। अब यहाँ आइडल टाइम है, अब यहाँ से उसको हटा देते हैं ताकि आपका जो है ध्यान ना भटके, एक ही तरफ फोकस हो, बट मिक्स इज नॉट गिवन। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में इसके दो हिस्से होंगे अगेन, टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस
ठीक है, जो कि था स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अब इसको करना क्यों जरूरी है, जरा पहले इस चीज को समझ ले कि ऐसा करना जरूरी क्यों है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है भाई, मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किया कि भाई इन 200 यूनिट को बनाने में, ठीक है, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटा लगता है और इन 200 यूनिट को बनाने में 2000 घंटे लगने चाहिए। ठीक है, और एक्चुअल में जो पेमेंट हुई वो हुई फिर 2500 आवर्स की। ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से। और हमारी फैक्ट्री में रोजाना जो है कितना ले लें, 100 आदमी काम करते हैं और इन लोगों ने 25 डेज तक काम किया। जैसे भी आप समझे इसको, किसी भी रूप में समझ लो, 2500 आवर्स कैसे आया उसको कैसे भी समझ लो इस तरह से। अब मैंने क्या किया कि जो अपना जो सुपरवाइजर था उसको बुलाया और बुलाकर मैंने उसको डांट मारना शुरू किया। मैंने कहा कि भाई ये क्या है, ये 500 घंटे आपने एक्स्ट्रा लगवा दिए, 500 घंटों की मजदूरी एक्स्ट्रा दी गई, एक घंटे के 5 रुपये, मान लो एक घंटे के कितने मान लेते, 3 रुपये मान लेते हैं, एक घंटे के 3 रुपये, 1500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों गए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब जाहिर सी बात है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब हम समझ रहे हैं कॉस्ट को कंट्रोल करना, और कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो पहले उसकी तह तक जाओ कि कारण क्या रहा है। अब वो प्रोडक्शन मैनेजर, वो आपका जो सुपरवाइजर है, वो आपको बताता है कि देखिए सर, हुआ ये था कि 4 घंटे तक मशीन ब्रेक डाउन हो गया, मशीन ही टूट गई थी और उसको रिपेयर करने में 4 घंटे लगे जी पूरे पूरे, तो 4 घंटे पूरे पूरे लगे और 4 घंटे तक ये 100 आदमी हमारे खाली बैठे रहे, लेकिन मजदूरी का मीटर तो चालू था, वो तो देनी थी। ठीक है, क्योंकि वो उनके वजह से थोड़ी था, तो 400 घंटे तो सर इस वजह से खराब हो गए। हाँ, बाकी 100 घंटे के लिए चलो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हमारी एफिशिएंसी थोड़ी सी कमजोर रहे, तो इसलिए जरूरी है। अभी तक तो हम पूरे 500 घंटे के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे, अब हमें पता चला अच्छा 400 घंटे तो वही इस वजह से एक्स्ट्रा चले गए, ये अब नॉर्मल सिचुएशन हो गई। और हो मान लीजिए 4 की जगह अगर ये घंटे 6 हो तो 6 गुना 100, फिर तो हम कहेंगे भाई 600 घंटे तो वही इसकी वजह से हो गए, उसने तो बल्कि 2000 के बजाय भी 1900 घंटे ही लिए, उसने तो बल्कि एफिशिएंटली काम किया है। तो अगर हम इनको अलग अलग नहीं करेंगे तो हम असली रीजन तक, असली जड़ तक पहुंच नहीं पाएंगे, और जब तक असली कारण हमें पता नहीं चलेगा हम दूर कैसे करेंगे, उसका निवारण कैसे करेंगे। तो इसलिए यहाँ टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस को इसलिए तोड़ना जरूरी है, और इसके 2 हिस्से होंगे। ठीक है, एक होगा आइडल टाइम वेरिएंस। अब उसने मुझे बताया कि ये 400 घंटे तो इस तरह से खराब हो गए थे, तो 400 गुना 3, 3 रुपए पर आवर आप मजदूरी बता रहे हो, ये 1200 रुपए का वेरिएंस तो इसमें से इस वजह से आ रहा है, बाकी जो है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। भाई 2000 माइनस 2500 गुना 3 किया हमने तो 1500 रुपए का एडवर्स वेरियंस आ रहा था, उसमें से 1200 का एडवर्स चलो इस वजह से है 1200 का, तो बाकी 300 का भाई चलो हम मान लेते हैं हमारी वजह से, तो इसलिए इनको अलग अलग करना जरूरी है। तो आइडल टाइम वेरिएंस कैसे निकलेगा, आइडल टाइम, ठीक है, और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। अब मुझे 2 बातें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पहली बात, आइडल टाइम वेरिएंस, जो समय नष्ट हुआ, जो समय खराब हुआ, क्या वो फेवरेबल हो सकता है? वैसे तो सारे वेरिएंस हम पढ़ते हैं फेवरेबल या एडवर्स हो सकते हैं, काफी बातें हो चुकी है उस पर, लेकिन आइडल टाइम वेरिएंस वो फेवरेबल कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, तो ये ऑलवेज एडवर्स ही होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होगा। दूसरी बात, अभी आपने देखी कि मैंने आइडल टाइम लिया है कितना, 400 घंटे, रेट 3 रुपए है, मैंने 1200 एडवर्स किया है, जबकि वो मैनेजर ने अभी क्या कहा था कि मशीन टूटी थी 4 घंटे, मैंने 4 गुना 3 तो नहीं किया ना, और आप भी मत करना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ आवर का मतलब मैन आवर्स, 3-4 घंटे बेशक मशीन ब्रेक डाउन रही, लेकिन 4 घंटे तक आपके 100 लोग फ्री बैठे रहे, 400 घंटे खराब हुए हैं, तो 400 मल्टीप्लाई की होगा आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है, और अब यहाँ पर जो बचा ये भाई, उसके लिए उस प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस।
ये एफिशिएंसी लिख रहे हो तो इसको रिवाइज एफिशिएंसी या सब एफिशिएंसी लिख देना, ये टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस लिखा है तो इसको जस्ट एफिशिएंसी वेरिएंस लिखेंगे। और अब ये क्या हो जाएगा भाई, अब जरा देखो एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक्चुअल आवर्स कितने लगे, 2500 घंटे, अभी अपने वाले एग्जांपल में 2000 घंटे लगने थे स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स 2500 लगे। जब मैं एक्चुअल आवर्स बोलता हूं तो एक्चुअल आवर्स से मेरा मतलब है कि कितने घंटों के लिए पे किया, एक्चुअल आवर्स का मतलब होता है एक्चुअल आवर्स पेड, वो घंटे जितने के लिए आपने मजदूरी दी 2500 आवर्स के लिए, तो पे तो 2500 घंटे के लिए रहा है। अब इन 2500 घंटों में से मुझे पता चला 400 घंटे तो आइडल टाइम था, तो एक्चुअल आवर्स में काम कितने घंटे हुआ, 400 घंटे मतलब 400 का तो मैं क्या एनालाइज करूं, 400 का तो मुझे पता चल गया भाई 2500 आवर्स में से 400 आवर्स तो वो हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए थे जस्ट आराम से कि कब मशीन ठीक हो और कब हम काम करें, तो उसका क्या एनालाइज करूं। बाकी जो बचे 2100 आवर्स, इनमें हम बोल सकते हैं हाँ उन्होंने काम किया, वो काम एफिशिएंटली किया होगा तो वही काम फटाफट फटाफट कर देंगे, वो काम अनएफिशिएंसी के साथ किया होगा तो उसमें समय ज्यादा लगा देंगे। तो ये 2100 आवर्स वो हैं जिसमें उन्होंने काम किया। अब अगेन फिर वही बात, ठीक है मैं जो बोलता हूँ नोटेशन मैं अपनी लेकर चल रहा हूँ, ठीक है बुक में अलग हो सकती है, बुक में इसको भी एक्चुअल आवर्स लिखा मिलेगा और यहाँ पर भी एक्चुअल आवर्स लिखा मिलेगा और उससे आपको फिर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको ध्यान रहे कि कौन सा वाला लेना है भाई, ये एक्चुअल आवर्स हैं वो एक्चुअल आवर्स जब लिखा है तो इसका मतलब टोटल एक्चुअल आवर्स जिनके लिए मजदूरी थी 400 घंटे हैं आइडल टाइम, तो बाकी जो बचा वो है एक्चुअल आवर्स जितने घंटे काम किया, तो इसको हम AHW अल्फाबेट तो काफी है हमारे पास क्यों नाम पूरा यूज कर लें, AHW हम इसके लिए टर्म यूज करेंगे एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है। तो AHW कैसे आएगा, एक्चुअल आवर्स जो होंगे हमारे यानी कि टोटल एक्चुअल आवर्स उसमें से आइडल टाइम बता दो, तो बाकी जो बचा वो बचेगा एक्चुअल आवर्स वर्क। तो यहाँ मैं एफिशिएंसी वेरिएंस जो निकालूंगा, सोचो अब देखो मैं यहाँ पर भी SH - AH लिख दूं, अब कंफ्यूजन होगा ही होगा फिर, तो यहाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ उस चीज को, AHW ठीक है मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ तो क्या किया, यहाँ तो 2000 - 2500 किया था मल्टीप्लाई 3, यहाँ 400 × 3 = 1200 हो गया, तो यहाँ हम कर रहे हैं 2000 - 2500 में से 400 गए 2100 मल्टीप्लाई 300, ये भी एडवर्स आ रहा है, वरना फेवरेबल भी आ सकता है, और इन दोनों का जोड़ वही आ जाएगा 1500 एडवर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको साथ साथ ही समझ में भी आ गया होगा कि आइडल टाइम वेरिएंस हम किस तरह से निकालते हैं, और यहाँ AHW मैंने क्लियर किया, AHW इज एक्चुअल आवर्स वर्क, और कैसे निकालते हो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप समझते चलो, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो एक बार इसको और अच्छे से क्लियर करवाएंगे। अब थर्ड सिचुएशन, दोनों को अलग अलग समझने के बाद अब आपके लिए आसान हो जाएगा कंप्लीट सिचुएशन को फेस करना समझना। तो सिचुएशन थर्ड अब मैं ले रहा हूँ, इसमें मैंने लिया जहाँ दोनों गिवन, वेयर आइडल टाइम एंड मिक्स बोथ आर गिवन, या दोनों ही है मेरे पास, उस केस में मैं क्या करूं, उस केस में ये मेरे पास टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस जो है जो कि होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। तो अब इसको मैं कैसे तोड़ू, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बस थोड़ी सी मैं सिचुएशन बदल देता हूँ, यहाँ हमारे पास जो है 100 आदमी तो एफिशिएंट काम कर रहे हैं, ठीक है, और 200 जो सेमी एफिशिएंट या अनएफिशिएंट लेबर हमें काम कर हमारे पास काम कर रही है, 100 जो एफिशिएंट हैं पर्सन
उनको हम 5 के हिसाब से पे करते हैं, अनएफिशिएंट को हम मान लीजिए 3 रुपए के हिसाब से पे करते हैं। तो यह मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर वाली सिचुएशन है। अच्छा, ये एफिशिएंट, इन सबको काम करना होता है, मान लो 10 घंटे का कोई काम है, इसको 10 घंटे काम करना है, ठीक है, तो 10 से गुना करूंगा तो ये 1000 हो जाएंगे, ये 2000 हो जाएंगे। तो इनकी मजदूरी 1000 आवर्स की, इनकी मजदूरी 2000 आवर्स की, ठीक है। अब एक्चुअल में जो भी है, एफिशिएंट के आवर्स कितने आए, एफिशिएंट के मान लो 1200 घंटे आ गए, अनएफिशिएंट के मान लो 1900 घंटे आ गए, ठीक है, टोटल जितना भी हो गया 9, 2, 11, 2, 1, 2, 3, 3100 आवर्स इस तरह से कुछ बन गया, ठीक है। अब गौर से अगर आप देखो तो यहाँ इनका मिक्सचर बदल गया, यहाँ मिक्सचर 1-2 का था, मिक्सचर है 12-19 का, तो मिक्सचर बदलने की वजह से कुछ ना कुछ अंतर आएगा, तो यहाँ मिक्स वेरियंस है, ठीक है। टोटल 3000 की जगह 3100 है, 100 घंटे एक्स्ट्रा लगे, उसकी वजह से भी कुछ अंतर है। और इसी में मैं शामिल कर देता हूँ एक और बात को कि एक घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आधा घंटा, ठीक है, 1/2 आवर्स इसमें आइडल टाइम हो गया, पावर फेलियर हो गया, आधे घंटे तक पावर फेल हो गई, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो भाई इसमें 100 आदमी ये थे अपने, ठीक है, 100 × 1/2, 50 लोग थे ये, और 200 इनएफिशिएंट लेबर थी अपने पास। 100 घंटे 1/2 के हिसाब से करोगे तो 100 घंटे इनके तो 150 घंटे, 150 आवर्स तो ऐसा है जो पावर फेल्यूर की वजह से पूरा पूरा खराब हुआ, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर आइडल टाइम वेरिएंस भी आ गया, ठीक है, पूरा तो कंप्लीट आपको क्वेश्चंस में समझ में आएगा। तो अब यहाँ तीनों चीजें हो जाएंगी, एक हो जाएगा आइडल टाइम वेरियंस, उसको तो पहले निकाल दो, आइडल टाइम वेरियंस, सिंपली आइडल टाइम, आइडल टाइम का मतलब जो टाइम कौन सा, मैन आवर्स, अब है तो अपना आधा घंटा, लेकिन मैंने इसको 100 से और 200 से गुना करके लिखा है, ठीक है। तो आइडल टाइम मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, तो इनका जो एफिशिएंट लेबर के कितने घंटे खराब हुए, 50, 5 के हिसाब से 250 एडवर्स तो ये आ गया, और इनके कितने खराब हुए, 100, और 3 के हिसाब से 300 एडवर्स इनका आ गया, ये एडवर्स ही होता है। तो 550 का जो नुकसान हो रहा है, जो वेरियंस आ रहा है एडवर्स, वो तो आइडल टाइम की वजह से, ठीक है। अब मैंने क्या किया करना है, अब आइडल टाइम जो था वो तो मैंने अलग ही निकाल दिया, ये 1200 घंटे जो थे उसमें से मैंने कहा कि 50 घंटे तो मुझे पता चल गया ये तो एबनॉर्मल उसकी सिचुएशन की वजह से, तो इनके घंटे कितने एक्चुअल में 1150। इसी तरह से 1900 में से भी 100 आवर्स जो थे वो तो मुझे मालूम पड़ गया कि इस वजह से है, 1800 ये, तो ये जो टाइम बचा 0085 13 0 5 8 1 9 2950, ठीक है, ये जो आवर्स हमारे पास बचे इनको हम बोलते हैं एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है, अभी मैं बताकर भी आ रहा हूँ आपको पिछली सिचुएशन में, इनको क्या बोलेंगे, एक्चुअल आवर्स वर्क। और अब अपना क्वेश्चन हो गया मेटीरियल की तरह से कि ये अपना स्टैंडर्ड है 1000 और 2000, टोटल 3000 एक्चुअल, अब एक्चुअल इसको भूल जाओ क्योंकि इसमें से आइडल टाइम निकाल लिया, अब एक्चुअल है अपना ये वाला, एक्चुअल है 1150 और 1800, टोटल 2950, ठीक है। तो अब देखो 3000 की जगह 2950 घंटे लगे, इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल आवर्स है कम लगे हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस तो बल्कि फेवरेबल आएगा, और जो नुकसान हो रहा है या जो और कोई वजह रही है वो है 1000 और 2000, 1:2 की जगह रेशियो अलग आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मेटल की तरह इस 2950 को ध्यान रखना, 3100 को नहीं, 2950 को, इन घंटों को इनके रेशियो में तोड़ देंगे 1:2 के रेशियो में, तो वो हो जाएगा हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, हम निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। और ध्यान रखना ये होंगे टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क कैसे आते हैं, एक्चुअल आवर्स में से आइडल टाइम घटाकर उसको तोड़ना है इन स्टैंडर्ड आवर्स रेशियो,
ठीक है, तो अपने टोटल एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 2950, ये रहे। और रेशियो क्या है इनका, 1000 और 2000, स्टैंडर्ड रेशियो वही है। तो स्किल्ड वाले कितने हो जाएंगे, 3000 में से 1000, तो 2950 में से कितने भाई, ऐसे सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड कितने, 2000 हैं 3000 में से, तो 2950 में से कितने हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो जाएंगे 983, और ये इसके डबल हो जाएंगे, जस्ट 19666 है तो 67 कर देता हूँ। ये हो जाएगा अपना रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, ध्यान रखिए रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स अब ऐसे निकलेगा। और आगे क्वेश्चन हो गया बिल्कुल पूरी तरह से, क्या आपने मैट लिख करें, एक हो जाएगा आपका यहाँ मिक्स वेरियंस। मिक्स वेरियंस कैसे निकालेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स जैसे हमने अभी निकाला, माइनस एक्चुअल आवर्स। अब एक्चुअल आवर्स करोगे तो फिर गड़बड़ है भाई, एक्चुअल आवर्स आइडल टाइम निकालने के बाद इन एक्चुअल आवर्स को भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। अब अपने एक्चुअल आवर्स हैं ये 1150 और 1800, ठीक है, सब कुछ अब इनके बेस पर होगा, क्योंकि आइडल टाइम घटाने के बाद जो बचा अब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि इसमें मिक्सचर की वजह से क्या अंतर है और इसमें दूसरी वजह से क्या अंतर है। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है, माइनस एक्चुअल आवर्स कौन से वाले, वॉक वाले, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, ये मिक्स वेरियंस आएगा अपना। और बाकी जो बचा वो अपना एफिशिएंसी वेरियंस, ये हो जाएगा अपना स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, ये एफिशिएंसी वेरियंस। तो ये तीन टुकड़े इसके होंगे, आइडल टाइम वेरियंस, मिक्स वेरियंस और एफिशिएंसी वेरियंस। और लास्ट में जैसे मेटल में निकाला था ऐसे ही ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस है, ये हर क्वेश्चन में हर बार किसके बराबर हुआ हो करेगा, ठीक है, जैसे भी सिचुएशन हो ये लास्ट वाला एफिशिएंसी वेरिएंस किसके बराबर होगा, यील्ड वेरिएंस के, ये हमेशा यील्ड वेरिएंस के बराबर होता है। और यील्ड माने प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे निकाला था हमने, जैसे मेटल में निकाला था वैसे यहाँ, वहां हमने कहा था कि इतनी यूनिट लगाकर कितना आउटपुट मिलना चाहिए था, उसको स्टैंडर्ड यील्ड बोल रहे थे। यहाँ बोलेंगे इतने घंटे काम करके कितना आउटपुट मिलना चाहिए था, बात वही रहेगी, जब क्वेश्चन होगा तो हम आपको और क्लियर करेंगे इसको। तो ये एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, एक्चुअल यील्ड आगे क्यों किया था वो भी मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल प्रोडक्शन अगर ज्यादा है तो हमारे फेवर में आएगा, भाई 500 यूनिट बननी थी, अगर 500 की जगह 600 यूनिट बन जाती तो मेरे फेवर की बात है ना कि एडवर्स। और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, तो ये यील्ड वैलेंस होगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, यहाँ स्टैंडर्ड यील्ड क्या होगा, बस ये बदल जाएगा, एक्चुअल यील्ड तो एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में होता ही है, ये स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ये भी वैसे ही निकलेगी, ये निकलेगा स्टैंडर्ड आउटपुट बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसी एग्जाम्पल में आऊं, वैसे तो इसमें काफी खिचड़ी सी बन गई है, तो मान लो ये 500 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए हो, तो मैं क्या कहूंगा, 3000 घंटे लगाकर 500 यूनिट बनती है, तो अब ये आइडल टाइम ना हो तो मैं बता, तो 3100 घंटे में कितनी बननी चाहिए, ठीक है, 3000 घंटे में 500 यूनिट, तो 3100 में कितनी, लेकिन अब 3100 मत लेना, अब आइडल टाइम हम अलग कर चुके हैं, क्योंकि ठीक है जो समय वेस्ट ही हो गया उसमें क्या मिक्सचर देखें, उसमें तो सारा वेस्ट ही हो गया। तो 3000 में 500 यूनिट बनती है, तो 2950 घंटे काम करके कितनी यूनिट बनती है हमें वो लेना है, 500 यूनिट 3000 घंटे काम करके, तो हमने काम किया है एक्चुअल में, वैसे तो 3100 के लिए पे किया, लेकिन 2950 घंटे जो हमने काम किया है उसमें कितना होना चाहिए, ये अपना स्टैंडर्ड फील्ड कहलाता है, ठीक है। बाकी जब हम इसके जो क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ इसको और अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, उसको जरूर अच्छे से समझ लेना, और मेटल और लेबर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते आपके ओवरहेड्स के भी हैं काफी क्वेश्चन, उनको भी करेंगे, लेकिन अगर आपको फिक्स्ड ओवरहेड को भी अगर अच्छे से समझना है तो उसका बेस जो है वो ये रहेगा आपका लेबर वेरियंस, ठीक है, ओवरहेड वेरिएंस सारे जाते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इसके एग्जाम्पल करेंगे, आज इतना ही काफी।